हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे JKSSB के एग्जाम कैलेंडर के बारे में। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। JKSSB की बात करें तो JKSSB के अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में बात करें तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट BLW और उसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल का जो है JKSSB एग्जाम कंडक्ट करने वाली है। तो आज की डेट की अगर बात करें तो सोशल मीडिया में जो है काफ़ी तेज़ी से जो एक नोटिस जो है जल्दी अगर बात करें तो काफ़ी तेज़ी से जो वायरल हो रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या ये एग्ज़ाम JKSSB कंडक्ट करने वाली है तो जहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, जूनियर लाइब्रेरियन, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट, इलेक्शन असिस्टेंट, पटवारी ड्राइवर, सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर फिशरीज, फार्म मैनेजर इक्विवेलेंट। उसके बाद ये सारी की सारी जो वैकेंसीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी जितनी भी पोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट के साथ साथ लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज इक्विवेलेंट, इन सबका आज की डेट तक JKSSB की तरफ से एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कर दिया गया है। आप जानते हैं इसी मंथ जो है एग्ज़ाम JKSSB के द्वारा कंडक्ट किया गया, आंसर की वगैरह सब कुछ उसका आउट हो चुका है। अभी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है। तो फिलहाल ये एग्ज़ाम JKSSB के द्वारा कंडक्ट कर दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की, जिसमें 972 वैकेंसीज हैं। इसमें बताया गया है कि ये 13 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल चलेगा, 8 डेज होंगे, 3 शिफ्ट होंगे। 23 मार्च से लेकर 29 मार्च चलेगा, 6 डेज, इस तरीके से बताया गया है। उस तरीके से जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, इसमें भी ये बताया गया कि इसका जो एग्ज़ाम है स्टेट में होगा। और उसके बाद पटवारी का भी एक एग्ज़ाम, बड़ा एग्ज़ाम रहेगा। उस पर उसके बाद एक सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है, अप्रॉक्सीमेटली 1400 के करीब जो वैकेंसीज हैं वो है पंचायत सेक्रेटरी की। इन पोस्ट के बारे में जहाँ पे बताया गया कि 25 मार्च ऑनवर्ड्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे देख रहे हैं या यूट्यूब से देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूँ, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जहाँ पे आप ऐसे गेस कर सकते हैं कि एडवांस नोटिस के अकॉर्डिंगली JKSSB की तरफ से ये इंटीमेट किया गया था कि ये एग्ज़ाम इस स्टेट में होंगे। शिफ्ट के बारे में अभी क्लियरली मेंशन नहीं है, तो ये पहले का एक एडवांस नोटिस है। अब इसमें क्या चेंजेस आती हैं, क्या उसका क्लियर होगा जब JKSSB की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, यानी कि सीधा अगर आप बात करें तो एडमिट कार्ड का एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, फिर सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए जो आप नोटिफिकेशन JKSSB के जहाँ पे सर्कुलेट देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो, जहाँ यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो, अभी तक ये टोटली ये फेक है। कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन JKSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, तो ये अभी तक फेक है, इसमें कोई भी अपडेट नहीं है। अगर कोई इसमें अपडेट आती है तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर फेसबुक से ज़्यादा आप JKSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, www.jksb.nic.in पे, ठीक है। तो ये अभी तक टोटली फेक है, इसमें कोई भी ऑफिशियल अपडेट JKSSB की वेबसाइट पे नहीं है। इसके रिलेटेड अगर कोई और नेक्स्ट अपडेट हमें मिलेगी तो वीडियो के माध्यम से मैं जरूर शेयर करूँगा। तो वंस अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये टोटली फेक जो है नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।